हेलो दोस्तों, मैं हूं रोली और स्वागत है आपका रोलीज किचन में। आज हम बनाएंगे पीनट बटर कुकीज़ जो बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद है। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मैंने यहाँ पर ये हाफ कप बटर लिया है, तो उसे हम यहाँ मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। बटर हमें रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, का ध्यान दीजिएगा। और ये मैंने हाफ कप पीनट बटर लिया है, ये मैंने घर पे ही पीनट बटर बनाया है तो वो भी हम ले लेंगे। पीनट बटर और बटर हमें बराबर मात्रा में लेना है। अब हम एक विस्क की मदद से दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने बटर और पीनट बटर को मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर ये हाफ कप पाउडर शुगर लिया, तो वो भी मैं इसमें डाल करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जब तक कि जो हमारा शुगर और बटर का मिक्सचर है वो लाइट और एयरी नहीं हो जाता। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बटर और शुगर है वो कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें आटा ऐड करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है, इसे हम छान लेंगे। और इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी, इसे छान लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे छान लिया। तो हम क्या करेंगे कि इसे अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ये कुकीज बहुत हेल्दी होती है, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो मैं तो अक्सर अपने बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ ये कुकीज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे 1 से 2 टेबल स्पून मिल्क की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर मिल्क ऐड करूंगी। तो पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। और अब 1 टेबल स्पून जो मिल्क मैंने लिया उसे भी मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 टेबल स्पून मिल्क लिया है और अब मेरा जो डो है वो बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है वो बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसी कुकीज बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बेकिंग ट्रे लिया, चलिए हम अपनी कुकीज बना लेते हैं। तो मैं ऐसे हाथों में इसे इस तरह से लेकर एक बॉल बनाऊंगी, ऐसे फ्लैट कर देंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी कुकीज बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी कुकीज बना ली है। तो अब हम एक फोक की मदद से इसके ऊपर ऐसा डिजाइन बना लेंगे, ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फोक की मदद से ये इस पर डिजाइन बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम मैंने ओवन को पहले से 180 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड पर प्रीहीट कर लिया 10 मिनट के लिए, और हम इसे कन्वेक्शन मोड पर 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी कुकीज़ हैं वो बेक हो गई हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है कुकीज़ पे। तो अभी ये गर्म है तो इसे अभी हम नहीं छुएंगे। तो फ्रेंड्स, कुकीज़ ठंडी हो गई है, ये देखिए आप कुकीज़ का टेक्सचर देख सकते हैं, ये आगे और पीछे दोनों तरफ से अच्छे से बेक हो गई है। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही हेल्दी भी है, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी कुकीज़ है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी कुकीज़ है वो बनकर तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से बेक हो गई है, आग और पीछे से दोनों तरफ से देखिए इसका टेक्सचर। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।